नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक का किड्स चैनल में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक गांव के पास जंगल था। उस गांव में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे। वो रोज़ स्कूल जाने के लिए जंगल के पास से गुजरते थे। एक दिन रमेश सुरेश से पूछता है कि क्या हम जंगल में चले, तो सुरेश कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आज हम अमरुद तोड़ने चलते हैं। और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी चुपके से एक लोमड़ी उनके पीछे से आती है और सुरेश उसे देख लेता है और वो दौड़ने पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते रमेश आगे आगे, सुरेश पीछे पीछे। रमेश पेड़ पे चढ़ जाता है और सुरेश भी उसके पीछे पीछे पेड़ पे चढ़ जाता है, बट लोमड़ी उसका पैर पकड़ के उसको काट के निकल जाती है। दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं और सुरेश पूरी तरह जख्मी होके अपना पैर लंगड़ाते घर में जाता है। सुबह होती है, दोनों फिर से स्कूल जाते हैं और स्कूल ख़त्म होने के बाद उसी जंगल के पास रुकते हैं। करना यार, तुम्हारे साथ तो पिछले हफ्ते बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है, क्या हम फिर से अमरुद तोड़ने चले? बहुत पके हुए अमरुद है। हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इस बार वो बड़े गहरे जंगल में निकल पड़ते हैं। तभी वो लोमड़ी फिर से उनके पीछे दौड़ने लगा। सोचता है कि पिछले बार सुरेश को खा लिया था, तो वो सुरेश को आगे करता है और वो नीचे रहता है। लोमड़ी भी सोचती है कि मैंने पिछली बार नीचे वाले को खाया था, आज ऊपर वाले को खा के मैं चली जाती हूँ। तो इसी बार भी सुरेश ही लोमड़ी का शिकार होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं सतर्कता। अगर रमेश और सुरेश सतर्क रहते तो ये हादसा नहीं होता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड